क्या आप जानना चाहते हैं कि पीसी से YouTube पर वीडियो कैसे अपलोड करते हैं? तो फिर ये वीडियो देखते रहिए। नमस्ते, मेरा नाम एकता है। कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सिखाया था कि मोबाइल से YouTube पर वीडियो कैसे अपलोड किया जाए, लेकिन मुझे आए दिन लोग कमेंट्स देकर या मेल द्वारा पूछते रहते हैं कि पीसी से यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने के विषय पर एक वीडियो बनाया जाए। तो ठीक है, आइए सीख लेते हैं कि पीसी से यूट्यूब पर वीडियो कैसे अपलोड करते हैं। सबसे पहले ब्राउजर में ऊपर टाइप कीजिए youtube.com। ये यूट्यूब की वेबसाइट खुल गई। अब अपने गूगल अकाउंट द्वारा YouTube में साइन इन कर लीजिए। यहाँ ऊपर दाहिनी तरफ साइन इन का बटन है, उस पर क्लिक कर दीजिए और अब अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के साइन इन के बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब आप YouTube में लॉग्ड इन हैं। यहाँ देखिए ऊपर अपलोड का बटन है, अपलोड पर क्लिक कर दीजिए और अब ये एक नया पेज खुल गया। यहाँ पर आप कोई भी वीडियो अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे ही आप अपना माउस लेके जाएंगे ये रेड सा हो जाता है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी फाइल को अपलोड कर सकते हैं। इस पर क्लिक किया, यहाँ पर आप अपना वीडियो सिलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए, ये मैंने अभी अभी एक वीडियो बनाया है गूगल प्लस पर, मैं इसे अपलोड कर लेती हूँ। और अब ये वीडियो जो है आप यहाँ स्टेटस बार में देख सकते हैं, ये वीडियो अपलोड हो रहा है। जो आपने इस फाइल का नाम रखा था बिल्कुल वही इस टाइटल में या शीर्षक में आ जाएगा। और ये देखिए, ये फाइल जो है ये अब प्रोसेस हो रही है। आप यहाँ इस बार में देख सकते हैं कि आपका वीडियो प्रोसेस कितना हुआ है। चलिए, जब तक ये प्रोसेस होता है तब तक हम इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन या जानकारी डाल देते हैं। यहाँ पर हाउ टू डिलीट अ गूगल प्लस सर्कल क्वेश्चन मार्क डाल देती हूँ और हिंदी वीडियो बाय क्या कैसे। अब आप नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, विवरण डाल सकते हैं। चलिए, यहाँ पर इसको कॉपी किया। सबसे पहले मैं अपना वेबसाइट का एड्रेस डाल देती हूँ, तो वो है kyakaise.com और उसके बाद यहाँ पर इंग्लिश में डाल देती हूँ हाउ टू डिलीट अ गूगल प्लस सर्कल। आखिरी पार्ट को मैंने हटा दिया। अब मैं चाहती हूँ कि जिन लोगों को हिंदी समझ आती है उनके लिए भी मैं यहाँ पर विवरण डाल दूँ, तो मैं यहाँ पर डाल देती हूँ गूगल प्लस सर्कल कैसे डिलीट करते हैं। और इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी, ऊपर गए translate.google.com में जाती हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देती हूँ। और ये देखिए, हिंदी में मैंने इसको क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया तो ये हिंदी में आ गया। अब मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और वापस गए अपने YouTube के अपलोड के पेज पर और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देती हूँ और यहाँ पर ये हिंदी के अक्षर आ गए। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन या विवरण इंग्लिश में और हिंदी दोनों में डाल दिया है। फिर है टैगिंग। यहाँ देखिए, मैंने अपने चैनल के कुछ टैग्स डाल दिए हैं, जैसे कि क्या कैसे, अलग अलग तरीकों में। आप चाहें तो यहाँ पर और टैग्स भी डाल सकते हैं। जिस चीज़ के बारे में आपका वीडियो है आप वो वाले यहाँ पर शब्द डालिए। इससे क्या होगा, देखिए, लोग जब आपके वीडियो को खोजते हैं या किसी विषय पर YouTube या Google में खोजते हैं तो आपके वीडियो को सर्च रिजल्ट्स में या खोज के परिणाम में आना ज़रूरी है। अगर आप टैगिंग ठीक से नहीं करेंगे तो खोज के परिणाम में ये आपका वीडियो आएगा ही नहीं। तो चलिए, यहाँ पर डाल देती हूँ Google Plus और डाल देती हूँ Google Plus Circle, Google Plus Circle Delete। तो मैंने यहाँ पर ये टैग्स डाल दिए।
और फिर देखिए यहाँ पर है प्लेलिस्ट। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो मैंने पहले से अपने चैनल पर कुछ प्लेलिस्ट्स बना के रखी हैं जो कि वीडियोस के समूह हैं, उनके ग्रुप्स हैं। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को किसी ग्रुप में डाल देती हूँ, किसी प्लेलिस्ट में डाल देती हूँ, जैसे कि एक है इंटरनेट कैसे, फिलहाल एक ही में डाल देती हूँ। आगे और देख लेते हैं, यहाँ पर है मोनेटाइजेशन, इस पर क्लिक किया। मेरे YouTube चैनल के साथ AdSense जुड़ा हुआ है तो इसलिए मैं इस वीडियो को मोनेटाइज कर सकती हूँ, इससे थोड़े बहुत पैसे कमा सकती हूँ। और फिर आते हैं एडवांस्ड सेटिंग्स पर। यहाँ पर देखिए आप अलग अलग चीज़ें हैं, आप चाहें तो इन्हें चूज कर सकते हैं, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं, मैं इनको छोड़ देती हूँ। यहाँ पर देखिए कैटेगरी, कैटेगरी में है हाउ टू एंड स्टाइल, आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं आपका वीडियो जिस कैटेगरी का है आप वो वाली कैटेगरी डालिए। जैसे कि अगर आपका कोई एजुकेशन चैनल है तो आप एजुकेशन डाल सकते हैं, या अगर आपका कोई म्यूजिक चैनल है या गेमिंग का चैनल है तो आप अपनी कैटेगरी चूज कर लीजिए। फिलहाल मैं हाउ टू एंड स्टाइल को ही रहने देने वाली हूँ और फिर डन के बटन पर क्लिक कर देती हूँ। तो ये देखिए, ये मुझे बोल रहा है कि आपका जो वीडियो है अब ये तैयार है और ये मुझे वीडियो का URL बता रहा है। हमारे सारे जितने भी चेंजेस थे ये सेव हो गए हैं। अगर हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये हमारा जो वीडियो है ये अपलोड हो गया है। पॉज कर देती हूँ, ये हमारा वीडियो रेडी हो गया है और ये प्रोसेस भी हो गया है। अब आपके पास यहाँ पर कुछ एडिशनल ऑप्शंस हैं, आप चाहें तो यहाँ पर देखिए एनहांसमेंट्स, इस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप एनहांसमेंट्स पर क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पर कुछ विकल्प हैं, आप चाहें तो यहाँ पर पॉज कर देती हूँ। आप इस वीडियो को यहाँ पर देखिए ऑटो फिक्स, हम इस वीडियो को ऑटो फिक्स कर देते हैं। पॉज, पहले हमारा वीडियो ऐसे दिखता था और अब हमारा वीडियो ऐसे दिखेगा। ये वाली जो ऑप्शन है क्विक फिक्स की, ये अक्सर उन वीडियोस के लिए होती है जो कि मोबाइल से या वीडियो कैमरा से लिए गए होते हैं। तो उसमें आप ये देखिए स्टेबलाइज पे क्लिक करके और जो उसकी शेकिंग होती है या जो वीडियो हिल रहा होता है आप उसको स्टेबलाइज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने वीडियो कैमरा से शूट नहीं किया तो हम इसको रहने देते हैं। ये देखिए, ये आई फिल्टर्स, आप यहाँ पर अलग अलग फिल्टर्स लगा सकते हैं। चलिए किसी पर क्लिक कर लेते हैं, जैसे कि ये अगर मैंने फिल्टर लगाया तो ये देखिए ये इस प्रकार से हो जाएगा। पॉज, यहाँ पर देखिए पहले ये ऐसे दिखता था और अब ये ऐसे दिखता है। आपको जो फिल्टर पसंद है आप वो फिल्टर लगा लीजिए, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि फिल्टर को ना ही लगाऊं, तो हम ये रिवर्ट टू ओरिजिनल पर क्लिक कर देते हैं। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने वीडियो को किस तरह से इन्हांस करना चाहते हैं और आपको कौन सा फिल्टर लगाना है, और ये फिल्टर जो है आपके पूरे के पूरे वीडियो में लग जाएगा। तो हम सेव के बटन पर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और ये आपको बोल रहा है कि जैसे जैसे आपके एडिट्स प्रोसेस होते हैं आपके जो यूज़र्स हैं वो आपके करंट वीडियो को देख पाएंगे। तो हम सेव के बटन पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए, ये आपको बोल रहा है कि आपका जो एडिट है वो इन प्रोग्रेस है। अब ये हम वीडियो मैनेजर में है, यहाँ लेफ्ट साइड में देखिए वीडियो मैनेजर है, आपको आपके सारे के सारे वीडियोज़ यहाँ पर दिखेंगे। आप एडिट के बटन के यहाँ पर जो एरो है इस पर क्लिक कीजिए और फिर इन्फो एंड सेटिंग्स पर जाइए। ये देखिए, ये आपका वीडियो आ गया। आप चाहें तो यहाँ पर एक कस्टमाइज्ड थंबनेल भी डाल सकते हैं। ये देखिए कि वीडियो के दौरान जो स्क्रीन ग्रैब्स थे उन्होंने आपको तीन अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं और बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला जो स्क्रीन है ये इस वक्त आपके थंबनेल की तरह चुना गया है। लेकिन कुछ समय के बाद जब आपके कुछ वीडियोस हो जाएंगे तो आपको ये कस्टमाइज थंबनेल का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक कीजिए। और मैंने पहले से यहाँ पर एक
थंबनेल चुना हुआ है तो मैं उसे सिलेक्ट कर लेती हूँ। ये देखिए ये थंबनेल जो है ये आ गया और ये इस प्रकार से अपलोड हो गया और ये इस प्रकार से दिखेगा। तो हम ये सेव चेंजेस के बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब जो आखिरी कदम बचा है वो है ये कि आप ये जो प्राइवेट है प्राइवेट पर क्लिक कीजिए और आप इस वीडियो को पब्लिक कर दीजिए। ये देखिए पब्लिक पर क्लिक किया तो आप इसे गूगल प्लस में शेयर कर सकते हैं, ट्विटर, फेसबुक इत्यादि। फिलहाल मैंने गूगल प्लस और ट्विटर को यहाँ पे जोड़ के रखा है अपने यूट्यूब अकाउंट के साथ। अगर आप चाहें तो यहाँ पर अपने गूगल प्लस के फॉलोअर्स के लिए कोई मैसेज भी छोड़ सकते हैं। तो ये जो हमने डिस्क्रिप्शन में लिखा था हम इसे कॉपी कर देते हैं कंट्रोल सी और यहाँ पर गए कंट्रोल वी और यहाँ पर कुछ और डाल देती हूँ जैसे कि गुड इवनिंग वीडियो नंबर 155 और यहाँ पर मैंने इसका जो है डिस्क्रिप्शन डाल दिया और यहाँ पर अपना नाम लिख देती हूँ। देखिए इसकी क्या ज़रूरत है, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपना पर्सनलाइज्ड मैसेज यहाँ पर नहीं डालेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि आप इंसानों के साथ डील कर रहे हैं अच्छा लगता है कि अगर आपको कोई पर्सनलाइज्ड मैसेज भेजे और एक ह्यूमन टच आ जाता है और जो आपके फैंस हैं उनको भी लगेगा कि देखिए हम जो है किसी इंसान के साथ डील कर रहे हैं, किसी मशीन के साथ नहीं। तो ये हमारी सारी जो सेटिंग्स थी ये यहाँ पर आ गई। अब बस आखिरी कदम है और वो है ये कि हम पब्लिश के बटन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम इस पब्लिश के बटन पर क्लिक करेंगे ये वीडियो लाइव हो जाएगा, पब्लिक हो जाएगा, सार्वजनिक हो जाएगा और ये जो मैसेज है ये आपके सब Google Plus के फैंस को या जो भी लोग आपके सर्कल्स में हैं ये उनके साथ शेयर हो जाएगा। तो चलिए पब्लिश के बटन पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए बोल रहा है ऑल योर चेंजेस हैव बीन सेव्ड, यानी कि ये जो आपका वीडियो है ये अब पब्लिश हो गया। यहाँ ऊपर गए और देखिए वापस वीडियो मैनेजर में वीडियोस पर जाते हैं। ये देखिए ये जो हमारा वीडियो था ये यहाँ पर फिलहाल एडिट हो रहा है, लेकिन कुछ देर में जब ये एडिटिंग ख़त्म हो जाएगी तो ये जो वीडियो है ये हमारे सब फैंस को दिख जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर तीन अलग अलग आइकन्स हैं। ये जो है ये नीले रंग का एक अर्थ है, ये इसका मतलब है कि ये वीडियो अब पब्लिक हो चुका है। फिर है ये जो है आपके जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उन सब की फीड में ये वीडियो जा रहा है। पुराने जो वीडियो हैं देखिए वहाँ पर है टिक मार्क, इसका मतलब ये सब्सक्राइबर्स की फीड्स में ये वीडियो उस समय चला गया था, लेकिन ये अभी प्रोसेस हो रहा है, आपके सब्सक्राइबर्स को ये वीडियो भेजा जा रहा है, उनकी फीड द्वारा उनको बताया जाएगा कि क्या कैसे का वीडियो लाइव हो गया है। और ये है आखिरी आइकन, यहाँ पर देखिए ये हरा है और डॉलर का साइन बना है, यानी कि ये वीडियो इस वक्त मोनेटाइज्ड है। क्योंकि ये गूगल एडसेंस से जुड़ा हुआ है तो इसमें थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे। और यहाँ पर देखिए आपको तीन अलग अलग आंकड़े दिए जा रहे हैं, नंबर्स हैं। ये सबसे पहला वाला है व्यूज़, यानी कि इस वक्त इस वीडियो के कितने व्यूज़ हैं। देखिए यहाँ पर फिलहाल एक व्यू है, यानी कि अभी अभी क्योंकि ये वीडियो लॉन्च हुआ है तो किसी एक बंदे ने देखा होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइक्स और यहाँ पर आप देख सकते हैं कमेंट्स। जैसे कि ये पुराना वीडियो है इसके 935 या 935 व्यूज़ आ चुके हैं, 64 लाइक्स आ चुके हैं और 20 कमेंट्स। तो इस प्रकार से आप अपना यूट्यूब वीडियो अपलोड कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। आप प्रैक्टिस कीजिए, एक आध बार जब आप अपलोड करेंगे तो आपको खुद से आदत पड़ जाएगी। अब आपने सीख लिया है कि YouTube पर PC से वीडियो कैसे अपलोड करते हैं। वीडियो पसंद आया तो YouTube में लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और शेयर करना मत भूलिए।
आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की जानकारी लगातार प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप PC से देख रहे हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके हमारे सारे वीडियो एक के बाद एक देख सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।